हो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। मैं आपका दोस्त सुशील वापस आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ दोस्तों। और जैसे कि आपको पता हो, मैं मेरे गांव में आ चुका हूँ। तो मेरा गांव महाराष्ट्र में रत्नागिरी में मंडनगढ़ तहसील है। तो मंडनगढ़ से एक 17 से 18 किलोमीटर दूरी पे जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पर गाँव है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गांव महू में है, बट वैसे नहीं है दोस्तों। तो उनका गांव यहाँ पे मंडनगढ़ में अम्बोड़े करके गांव है, तो वहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ हम जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गांव में और देखते हैं वो गांव कैसा है और उनका स्मारक देखते हैं और उनका घर कहाँ पे था, उनका अस्थि कलश भी वहाँ पे है। तो चलिए, ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गाँव में। चलिए दोस्तों, हमारी जर्नी स्टार्ट कर दे यहाँ से। ये हमारा तहसील है मंडनगढ़, और यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे अम्बोड़े गाँव है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हों गाँव है। तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं। तो चलिए, बने रहे हमारे साथ एंड तक, देखना कैसे जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये गेट बना है यहाँ पे, आपसे दिखा रहे डायरेक्शन के लिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यांचे मूल गांव, उनका जो गांव है यहाँ से अम्बोड़े करके 8 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो चलिए, चलते हैं हम उनके गांव की तरफ। तो चलिए दोस्तों। जो स्मारक है वहां पे एंटर करने वाले, चलिए देखते हैं कैसे वो स्मारक।
उसका गांव है वहाँ पे आ चुका हूँ। चलिए जो स्मारक है उनका, तो उसके अंदर चल जाते हैं और देखते हैं कैसे स्मारक है बनाया हुआ। चलिए आइए देखते हैं कलर कैसे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अस्थि कलश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। और दोस्तों ये जो रूम है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पे घर था अपना खुद का, जो उनके पिताजी आते थे यहाँ पे रहते थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यहाँ पे जब बचपन में थे तब आके रह के चले गए। यहाँ पे आने का रीज़न दोस्तों यही था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम सभी जगह लेते, बट बहुत सारे लोग इंडिया में हैं उनको पता ही नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गाँव कहाँ पे, उनका गाँव कहाँ पे है और कौन सा गाँव। इसीलिए मैंने आज एक ब्लॉग बनाया है और आपको दिखाने के लिए कि कैसा गाँव है और कहाँ पे। तो आप जरूर यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर गाँव है। और अभी एक महीना पहले हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी यहाँ विजिट करके चले गए। तो चलिए देखते हैं और कुछ हमें जानकारी मिल जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले इनका संदेश दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये 22 प्रतिज्ञा ली थी, और उसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो डिग्रियाँ थी जो कहाँ से ली थी वो भी लिखी गई है यहाँ पे। एमए पीएचडी कोलंबिया यूएसए से, डीएससी लंदन यूके, LLD कोलंबिया से, और DLLTD बार एट लॉ लंदन यूके, MLC ये जो डिग्रियाँ उन्होंने ली थी जो बाहर देश से, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनका जीवन पट इस पे बताया है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब से पैदा हुए तब तक और उनका निर्वाण होने तक जो जो कुछ कुछ उन्होंने किया है अपने जीवन काल में उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे चल के आप देख सकते हैं संत गाड़गे बाबा इनका, और यहाँ पे रमाई मातोश्री रमाई अम्बेडकर है। तो
तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ के बाबा है, सुदाम बाबा। इनका घर स्मारक के सामने, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर के सामने इनका घर है। इनका नाम है सुदाम जी सकपाल अम्बेडकर। तो इनसे हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं इस गांव के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इनके बारे में क्या जानकारी मिल सकती है? मेरा नाम है सुदाम राव बाबूराम सकपाल, गाँव का नाम से अम्बेडवे गाँव से अम्बेडकर। यहाँ पर जो बाबा साहब का गांव है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, बहुत से लोग कहते कि जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ महू में, वहाँ के हैं। मगर इस साल 2022 में 12 फरवरी शनिचार को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद यहाँ पर आके मुलाकात दिया है उन्होंने। यहाँ ये जो गांव है, ये गांव कोकन में मन्नगढ़ तालुका रत्नागिरी जिले में है ये गांव है, और ये बम्बई से 208 किलोमीटर दूर है। यहां पर बहुत लंबे लंबे से लोग आते हैं, केवल महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं। यहां बाबा साहब का पुरखों का ये जगह है, और इस वतन से बहुत बाबा साहब का लगाव था। बाबा साहब के पिता रामजी मालोजी सकपाल उर्फ अम्बेडकर, इनका जन्म यही हुआ था, मगर अपने देश के ऊपर गुलामी था। वहाँ उसी समय में एक फौजी था, 106 सैंपल शिप माइनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो भर्ती हुए, वो फौजी थे। उसी समय में बाबा साहब का जन्म महू में, इंदौर में 14 अप्रैल 1891 हुआ। और बाबा साहब के पिता जो फौजी थे, वो रिटायरमेंट हो गए 1894 में। वो रिटायर होने के बाद अभी परिवार में आदमी ज़्यादा होने से नौकरी के सिवा और कोई उसके पर और जगह नहीं था। नौकरी तो करना ही पड़ेगा, इतना परिवार संभालने का कैसा, क्यों? बाबा साहब का जो नंबर था भाई बहन में 14वां नंबर था। यहाँ पर दापोल में आकर वो रुक गए बाबा साहब के पिता, और ये उनको जगह मिले सूबेदार मेजर का, और पद मिला सूबेदार मेजर का, और उसको पेंशन मिला 50 रुपया उसी समय में। अभी 50 रुपये में इतना परिवार तो नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर नौकरी का कोशिश किया। तो 17 में एक कॉल आया, PWD खाते से हम यहाँ पर तालाब बनाने वाले हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो पगार बांटने का, मजदूर को पगार बांटने का आपको काम मिलेगा। तो भी बाबा साहब का उम्र था 5.5 साल का। यहाँ से फिर फैमिली पूरा परिवार उठाया, और सतारा में प्रताप सिंह हाई स्कूल में उनका नाम दर्ज किया, सदर बाजार में वो काम चला। और प्रताप सिंह हाई स्कूल में 6 साल का उम्र हुआ तो भी बाबा साहब का पहला कक्षा में नाम दर्ज किया। नाम दर्ज किया तो वो गाँव का नाम दिया था भीमराव रामजी अम्बावड़ेकर। मगर उसका जो गुरु था, गुरु ने पूछा, भीमराव आपके पिता को बोला ना यहाँ पर कि जो आपका जो सरनेम है वो बोलने में आड़ा टेढ़ा लगता है। तो फिर सूबेदार चले गए, गुरु जी को पूछा कि आप क्यों बोला है, बोला आपका जो सरनेम है ये अम्बावड़ेकर कैसा है, उच्चारने के लिए आड़ा टेढ़ा है बोलने के लिए। तो बोला हम लोग अभी 17 में है, नौकरी के लिए आया है, हमारा जो गांव कोकन में है अम्बेडवे उसका नाम सरनेम हमने दिया है। तो फिर इसके आगे अम्बेडकर लिखेगा तो चलेगा क्या, अम्बावड़ेकर का? तो बोला ठीक है, मिलता जुलता ये नाम है। तभी से भीमराव रामजी अम्बेडकर बाबा साहब का नाम दर्ज किया है। तो पहली से चौथी कक्षा में सतारा में प्रताप सिंह हाई स्कूल में बाबा साहब का पढ़ाई हुआ। फिर अभी बच्चों के लिए वो काम का भी ख़त्म हुआ, 4 साल का तलब का काम था, अभी बच्चों के लिए तो पढ़ाई के लिए बम्बई जाना पड़ेगा। तो फिर वो परिवार को लेके बम्बई में चले गए, डबक चल में था परेल में। और उसके बाद में फिर 2 खोली लिया, BIT 4 नंबर 1, खोली नंबर 50 51 उधर लिया, एक खोली बाबा साहब को पढ़ाई के लिए, एक खोली उनका परिवार के लिए ऐसा था। तो बाबा साहब 5वीं से 12वीं तक प्रताप सिंह हाई स्कूल में पढ़ा, 12वीं से BA तक वहाँ पर जो एल्पिस्टन
कॉलेज में पढ़ा, फिर बी ए तो पढ़ने के बाद हो, फिर बाद में उनको सहजराव गायकवाड़ महाराज ने शिष्यवृत्ति दिया, उसमें वो पढ़ाई में फिर बाबा साहब एम ए पीएचडी डीएस डीएससी एलएलडी डीलिट और बयालीस सत्तर पढ़ा किया। शाहू छत्रपति ने भी कुछ मदद किया उसको, सहजराव गायकवाड़ ने भी मदद किया, ऐसा उसका पढ़ाई हुआ बाबा साहब का। बहुत से आदमी सोचते हैं कि बाबा साहब ये उनका गांव पता ही नहीं था बहुत से आदमी को कि उनका जन्म महू में हुआ, कि पिताजी फौजी थे महू में, वो सब बहुत से आदमी देश के समझते कि वो महू का है, मगर नहीं, बाबा साहब का गांव इधर कोकण में अम्बड़वे गांव है, बम्बई से 208 किलोमीटर दूरी है। तो बाबा साहब बहुत से आदमी पूछते बाबा साहब यहाँ आते थे क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो घर है, घर का रूप अभी स्मारक में हुआ, घर था इधर सूबेदार का, उनका लंबाई चौड़ा में 11 बाय 15 था, लकड़ा था और घास था, मिट्टी से बना था, वो हम लोग भाई बंदी से गांव वाला संभाल के रखा था आखिरी तक। तो उसका घर का स्मारक में रूप हो गया 22 अप्रैल 9 ऐसे में, तभी से यहाँ पर वो अभी स्मारक हो गया बाबा साहब का। बहुत से आदमी सोचते हैं बाबा साहब इनका गांव है, पिताजी का घर है, यहाँ पर आते थे कि नहीं? मगर पिताजी सूबेदार रामजी महाराज जी अम्बेडकर बाबा साहब को परिवार के साथ यहाँ पर आते थे, वो पानी के जहाज से दाबल बंदर, वहाँ से बैलगाड़ी क्याम दापोली, और वहाँ से चल के 61 किलोमीटर चल के अम्बड़वे गांव में बाबा साहब के साथ पूरे परिवार को सूबेदार यहाँ पर ले आते थे। क्यों? 61 किलोमीटर दापोली से अम्बड़वे गांव है, मगर एक दिन में बच्चों को लेके नहीं चल सकता आदमी एक जगह में कहीं भी बस्ती करने का, तो दो दिन लगता था यहाँ पर आने के लिए। तो जब बाबा साहब को स्कूल को छुट्टी गिरता था 2 महीने में गर्मी के दिन में, तभी वो लेके आते थे, और 5वीं से 9वीं कक्षा तक बाबा साहब ये गांव में आके रहते थे। आखिरी बाबा साहब कभी आए वो 3 भाई है, बालाराम अम्बेडकर, आनंद अम्बेडकर और भीमराव, खुद बाबा साहब खुद भीमराव। तो एक नंबर का शादी सूबेदार ने बम्बई में किया, किसका? बालाराम अम्बेडकर का। और 2 नंबर भाई आनंद, उसके शादी में बाबा साहब उनके साथ में यहाँ पर आए थे। इधर यहाँ इधर जो पहाड़ है, पहाड़ में चल के माड़ के इधर जगह पर एक गांव है चिम्बावे क्या ऐसा जो गांव है, वहाँ पर वो शादी के लिए यहाँ पहाड़ से चले गए बाबा साहब, ये पहाड़ी इलाका है। दूसरे दिन आ गए और सब बाराती आ गए और दूल्हा दुल्हन यहाँ से चल के फिर बम्बई में चले गए, ऐसा उसका प्रवास था बाबा साहब का। आखिरी में बाबा साहब के वो बड़े भाई के आनंद राव के शादी में आए थे यहाँ पर, तभी वो 9वीं कक्षा में था। और वो सोचते हैं कि हर आदमी के हमारे पुरखों बुजुर्ग वो क्या बोलते हैं कि बाबा साहब का पढ़ाई में ध्यान बहुत था, कि वो जब भाई का शादी में आए थे जिस दिन दूल्हा जाता था शादी के लिए, उस दिन सुबह में 6 बजे उठ के नहा के बड़ा बुक लेके, अभी जो गाइड था नवनीत उसी समय का गाइड था तरकड़कर, वो सब विषय का गाइड लेके देवल में जाके पढ़ाई करता था शादी के दिन। आखिरी में जब दूल्हा शादी को निकला तभी सब लोग ढूंढने लगे कि भीमराव किधर है, ढूंढ के लाया है बाबा साहब को, बाबा ये तुमको दूल्हा जाके बाराती बन के जाने का भाई की शादी को चलो। तो फिर सुबह में नहा के गया था, फिर आके कपड़े बदली करके फिर यहाँ से चलेगा माड़ में, और दूसरे दिन सब बाराती आया, ऐसा है प्रवास बाबा साहब का था। इतना करके मैं आपको जानकारी दिया हूँ। थैंक यू बाबा ये जानकारी देने के लिए, ये हमें बहुत सारी जानकारी मिली है यहाँ पे आके, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल के ओर से। थैंक यू सो मच।
अच्छी वीडियो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं गाँव में आज आपको दिखा है, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़रूर इस गांव को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गांव है उसको विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।